ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भले ही यूपी में पिछले दिनों गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बच्चों की मौत पर यूपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन मौत के ताजा आंकड़े योगी सरकार पर नहीं पिछली सरकारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। गोरखपुर बीआरडी कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस नाम की बीमारी से हुई बच्चों की मौत ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद और फरुखाबाद में लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बच्चों की मौत को लेकर योगी सरकार पर लगातार निशाने साध रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अखिलेश यादव बच्चों की मौत को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, खुद उनके कार्यकाल में गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में योगी सरकार की तुलना में ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। आप देख सकते हैं कि 2014 जनवरी से अगस्त तक 3828 मृत्यु हुई थी और अगस्त में 567 मृत्यु हुई थी। 2015 में जनवरी से अगस्त तक 4601 मृत्यु हुई, अगस्त में 668 मृत्यु हुई। वही 2016 में जनवरी से अगस्त तक 3755 मृत्यु हुई, अगस्त में 587 मृत्यु हुई। और वही इस वर्ष आप देख लीजिए, इस वर्ष का आंकड़ा 2017 जनवरी से अगस्त तक 1285 मृत्यु हुई है, लेकिन अगस्त में मात्र 325 मृत्यु हुई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किसके कार्यकाल में कितने बच्चों की मौतें हुई। बात अगर अखिलेश के कार्यकाल की करें तो 2014 में जनवरी से अगस्त के बीच 3828 बच्चों की मौत हुई, जबकि 2014 में केवल अगस्त में 567 मासूमों की मौत हुई। वहीं अगर बात करें 2015 की तो जनवरी से अगस्त के बीच 4601 बच्चों की मौत हुई, जबकि अकेले अगस्त में 668 बच्चों की जाने गई। वहीं साल 2016 के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से अगस्त के बीच 3758 बच्चों की मौतें हुई, जबकि अगस्त में 587 बच्चों की जान चली गई। ये तो रहे अखिलेश यादव के कार्यकाल के आंकड़े। अब आपको योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल यानी कि 2017 में हुई बच्चों की मौत के आंकड़े दिखाते हैं। साल 2017 में जनवरी से अगस्त के बीच 1285 बच्चों की मौत हुई, जबकि केवल अगस्त में 325 बच्चों की मौत हुई। आपको बता दें कि जो आंकड़े आपके सामने हैं वो जनवरी से अगस्त के बीच के हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने मार्च में सीएम पद की शपथ ली थी। मौत के ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं उस सियासत की जो पिछले दिनों गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो रही बच्चों की मौतों पर हो रही है। भले ही मौजूदा सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए सपा ने कोई कसर न छोड़ी हो, लेकिन इस आंकड़े के बाद सवाल समाजवादी पार्टी की सरकार पर खड़ा होता है, जो बताता है कि पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए, क्योंकि इन आंकड़ों में साफ साफ पता चलता है कि अखिलेश सरकार की तुलना में योगी सरकार के कार्यकाल में कम बच्चों की मौत हुई है। ये सरकार बनने के बाद जो सरकार ने सुचारू रूप से वैक्सीन एवं फागिंग की उपलब्धता कराई, उसकी वजह से जापानी बुखार में कमी आई है। सवाल ये है कि आखिर जब ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या में इजाफा नहीं कमी आई है, तो इस पर सियासत क्यों की जा रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों हुई बच्चों की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा काटा था और योगी सरकार के इस सवाल पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन मौजूदा आंकड़ों में ये बात दिखाई पड़ रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो मौतों के आंकड़े ज्यादा थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि क्या वाकई में विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही है या अपनी सरकार के दौरान हुई मौत को छिपा रही है। कैमरा पर्सन विष्णु राठौर के साथ विशाल लघुवंशी, इंडिया वॉइस।